दिवाली की रात करोड़पति। दोस्तों, दिवाली की रात महान निशा मानी जाती है। दिवाली पर की गई पूजा सफल होती है, मांगी गई कामनाएं पूरी होती है, इसलिए इस दिन पूजा करने के लिए महत्वपूर्ण विधियां बताई गई हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कुछ शक्तिशाली उपाय जिन्हें अपनाकर आप अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं। दिवाली के दिन में 5 पीपल के पत्तों को तोड़कर घर ले आएं। रात में माता महालक्ष्मी का पूजन करने के बाद उन पत्तों पर पनीर या दूध से बना कोई भी मिष्ठान रखकर उसे पीपल के पेड़ को अर्पित करें और अपनी इच्छा कहें। आपका कार्य अवश्य पूरा होगा। यदि आपके ऑफिस में या व्यापार में किसी कारण से तरक्की नहीं हो रही है या फिर साथ वालों के कारण आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो दिवाली की रात को कच्चा सूत लेकर उसे शुद्ध केसर से रंग लें तथा माँ लक्ष्मी का स्मरण करते हुए अपने व्यापारिक स्थल में बांध दें। निश्चित ही आपके व्यापार में तरक्की होगी। जो लोग नौकरी करते हैं वह इसे अपनी टेबल, अलमारी अथवा कंप्यूटर के पास बांध दें। आपका भाग्य तुरंत चमक उठेगा। अपने घर के आसपास किसी पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दीपक जलाएं। यह उपाय दिवाली की रात में किया जाना चाहिए। ध्यान रखें, दीपक जलाकर चुपचाप अपने घर लौटे आए, वापस पलट कर ना देखें। लक्ष्मी पूजन के समय एक नारियल लें और उस पर अक्षत, कुमकुम, पुष्प आदि अर्पित करें और उसे भी पूजा में रखें। इस दिन अमावस्या रहती है तथा इस तिथि पर पीपल के वृक्ष को जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने पर शनि के दोष और काल श्रप दोष समाप्त हो जाते हैं। दिवाली की रात में लक्ष्मी पूजन के साथ ही अपनी दुकान, कंप्यूटर आदि ऐसी चीजों की भी पूजा करें जो आपकी कमाई का साधन है। दीपावली की रात लक्ष्मी पूजा करते समय एक थोड़ा बड़ा घी का दीपक जलाएं, 9 बातियां लगाई जा सके। सभी 9 बातियां जलाएं और लक्ष्मी पूजा करें। दिवाली पर लक्ष्मी का पूजन करने के लिए स्थल लगन श्रेष्ठ माना जाता है। इस लगन में पूजा करने पर मां लक्ष्मी स्थायी रूप से घर में निवास करती हैं। पूजा में लक्ष्मी यंत्र, कुबेर यंत्र और सिद्धि यंत्र रखना चाहिए। ये थी SM News की रिपोर्ट।